सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को फंड जारी करने की दूसरी डेडलाइन खत्म। स्टेट बैंक और वजारत खजाना आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराएंगे। पार्लियामेंट के मंजूरी न देने के बाद इलेक्शन फंड जारी करने के हुक्म पर अमल दरामद न हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन से मुतालिक केस में स्टेट बैंक को 17 अप्रैल तक 21 अरब रुपए बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को जारी करने का हुक्म दिया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल जमातों का अहम इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा, जिसमें मुल्की मौजूदा सियासी सूरतेहाल पर इत्तेहादियों से मुशावरत की जाएगी। इजलास में वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत अमूर पर इत्तेहादियों को एतमाद मिलेंगे। सियासी और मौशी हिकमत अमली पर मुशावरत भी की जाएगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में नए कायद ऐवान का इंतखाब आज मतवक़। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? नए कायद ऐवान के इंतखाब के लिए कानून साज असम्बली का इजलास आज फिर होगा। 5 दिन गुजरने के बावजूद असम्बली वज़ीर आज़म का इंतखाब नहीं कर सकी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर रकम ना दी तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में आईन और कानून की हुक्मरानी खत्म हो चुकी है। कहा कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं जबकि आईन के मुताबिक मुज़ाकरात की जरूरत नहीं है। 90 दिन से बाहर इलेक्शन नहीं हो सकते, इसके बाहर आईन खत्म हो जाता है। इस पर सारी लीगल कमेटी मुत्तफिक है, 90 दिनों के बाद जो कुछ करेंगे वो गैर आईनी होगा। साबिक वफाकी वज़ीर दाखला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का आने वाला फैसला मुल्क की हालात की सिमत का फैसला करेगा। ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद अहमद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को पैसे ट्रांसफर करवा कर रहेगी, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेगा वो अपने अंजाम को पहुँचेगा। 90 दिन गुजर गए हैं, निगरान हुकूमतें खत्म हो गई हैं, सुप्रीम कोर्ट ही सारे मुल्क को बहरान से निकालेगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। पंजाब में भी वक्फे वक्फे से बारिश, लाहौर, साहिवाल, सियालकोट, समुंदरी, सरगोधा, भावलपुर, राजनपुर में गर्ज चमक के साथ बारिश से जल थल एक हो गया। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। आजाद कश्मीर और जुगर शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलाई बस्ती पंजाब समेत शुमाली और मशरकी बलोचिस्तान में गर्ज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ मेहरुन्निसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज़।